तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला। एक बड़ी अपडेट आई और इस पर वीडियो बनाना जरूरी था, इसलिए मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूं कि क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। बहुत सारे ऐसे भी वीडियो बनाए जा रहे हैं जिसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो उससे बचना है इसलिए आपको सही इन्फॉर्मेशन मैं देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर जो आप एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, ये ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। अब भाई क्या कि चुनाव का माहौल धीरे धीरे बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा। हालांकि जो काम इन्होंने अभी किया है बहुत पहले कर देना चाहिए था, थोड़ा डिले करके काम किया है, फिर भी देर से आए हैं, दुरुस्त आए हैं। खबर यह है कि कल एक कैबिनेट की बैठक थी, उसमें बहुत सारी मंजूरी होनी थी, तो उसमें एक मंजूरी आपके हिसाब से भी हुई, यानी कि आपके लिए भी हुई है। और मंजूरी यह है कि आपकी जो परीक्षा होनी है टीजीटी की या पीजीटी आपने अप्लाई कर रखा है, इसकी अगर परीक्षा होनी है तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस पहले बनाए जा चुके हैं, मैंने भी बनाया है और बताया भी है। तो अभी क्या है कि फाइनली इस कैबिनेट की मंजूरी इसको मिल गई है कि अब ये जो है परफॉर्म कर सकता है। तो अब इसमें अगले स्टेप क्या होंगे यही समझना है इस वीडियो में, और इससे ही तय होगा कि परीक्षा की तिथि क्या हो सकती है, परीक्षाएं कब होंगी, और हम लोग आखिर में डिस्कस करेंगे प्राविधिक कला को लेकर के कि इसको लेकर के क्या अपडेट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं तो पूछते रहते हैं कि आखिर में कि सर इसकी डिग्री मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, तो इस पर पूरी बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक ना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। कला विषय से तैयारी करने वाले साथीगण जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं या भविष्य में जो एलटी की परीक्षा होगी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतर चैनल यही है, जुड़ जाइए बिना किसी सोच विचार के, ठीक है ना। चलिए अब डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या बात है और पूरी बात समझेंगे कि अब नया क्या हो सकता है, यानी कि जो अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं जून 2022 से कि अब परीक्षा होगी, तब परीक्षा होगी, कब तैयारी को फिफ्थ गियर में डालना है और कब तैयारी को न्यूट्रल गियर में डाल देना है, तो इन सब को लेकर के बहस इस बीच में चल रही थी। तो एक अपडेट इसमें आया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंजूरी हो चुकी है, यानी कि अब ये आयोग गठित होने के लिए तैयार है और यही खबर जो है सामने आई है, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे कुछ बेसिक्स हैं जिनका आपके परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। वो क्या है कि आयोग में चार उप सचिव भी तैनात करेगी सरकार, तो ये सरकार का अपना तरीका होगा कि लोगों को नियुक्त करते हैं, कैसे उसको करवाते हैं, इसका आपके परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें परीक्षा नियंत्रक होंगे, वित्त नियंत्रक होंगे, न्यायिक सेवा के विधि के जानकार व्यक्ति होंगे, वित्तीय एवं लेखा अधिकारी होंगे, आउटसोर्सिंग का भी इसमें यूज किया जाएगा, जैसे कंप्यूटर वगैरह के जो काम होते हैं उसके लिए आउटसोर्सिंग की यूज की जाएगी। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है कि उसका एक प्रारूप क्या होगा। अब इसमें अगला स्टेप क्या होने वाला है साथियों, वो आपको ये जानना है कि अगले स्टेप पर जो ये सदस्य होंगे इनका चुनाव होगा, ये नियुक्त किए जाएंगे, ये अगला स्टेप होगा, और जब वो नियुक्त हो जाएंगे उसके बाद में परीक्षा की तिथि आपको मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चार उप सचिव राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति किए जाएंगे जिनका कार्यकाल 3 साल का होगा, और तो जो सदस्य होंगे वो 3 साल के लिए ही इसमें होंगे, ठीक ना। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी पूर्वकालिक कर्मचारी आयोग में जो है समाहित कर दिए जाएंगे, यानी कि जो पहले के अधिकारी थे वो इसमें समाहित कर दिए जाएंगे, काम करने वाले थे, ठीक है ना। इसके अलावा नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसके अध्यक्ष एवं सदस्य के 10 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है, और यही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तो आपके एग्जाम का डेट नहीं आएगा। जब तक इसके अध्यक्ष नहीं बनेंगे, ये सदस्य नहीं बनेंगे, उनकी मीटिंग्स नहीं होंगी, तब तक डेट अनाउंस नहीं होंगे। तो जरूरी यही है कि सबसे पहले इनकी नियुक्ति हो जाए तभी आपकी नियुक्ति हो सकती है। आयोग को काम क्या दिया जाएगा, आयोग को बेसिक कि जो प्राइमरी की भर्ती होती है वो करवाना होगा, जूनियर की भर्ती कराना होगा, माध्यमिक यानी कि टीजीटी की जो परीक्षाएं होती है वो इसको करवाना है, उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित भी शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास ही होगा। इसका मतलब इनके पास बहुत सारा काम आने वाला है इकट्ठे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज को इस नए आयोग में समाहित कर दिया जाएगा, यानी कि जो उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था थी निम्न शिक्षा के लिए और माध्यमिक शिक्षा के लिए, इन सबको मिला करके एक शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला करके कैबिनेट की मंजूरी हो चुकी है, इसका मतलब बहुत समय नहीं लगना है
और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है साथियों, कि सरकार हो सकता है कि चुनाव को ध्यान में रख करके ही परीक्षा को कराने की घोषणा कर दे। ऐसा हो सकता है कि जो अभी चुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट पर कुछ नई प्रतिक्रिया आपको देखने को सरकार की तरफ से मिले, ठीक है ना, क्योंकि 24 का इलेक्शन है और 24 में उत्तर प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बीजेपी को भी अच्छे से पता है। तो इसलिए जरूरी है कि वो कहीं ना कहीं जिस मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर ज्यादा घिरे नजर आते हैं, तो इस पर हो सकता है कि वो काम करे, ठीक है ना, बेरोजगारी के मुद्दे पर हो सकता है कि वो कुछ काम करे, तो इसके लिए अनाउंस कर सकते हैं इसकी परीक्षा की तिथि को, मे बी, जरूरी नहीं कि कर दें। और हो सकता है कि इसी के लिए ये कदम उठाया गया हो कि सबसे पहले आप जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके उसकी मंजूरी दे दो। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो आने वाले 15 से 20 दिन या 1 महीना आप कह लीजिए कि 15 से 30 दिन के बीच में आपको एग्जाम डेट को लेकर के अपडेट मिल सकता है। इसको एग्जाम डेट को लेकर के अपडेट मिल सकता है, अभी एग्जाम डेट को लेकर के कोई अपडेट नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने जो वीडियोस बनाए हैं कि अब परीक्षा हो जाएगी, तब परीक्षा हो जाएगी, अभी अभी हो जाएगी या तभी कभी नहीं होगी, ऐसे सभी वीडियोस बेकार के बेबुनियाद हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक सदस्यों में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक कुछ इसमें नहीं होने वाला है। तो एग्जाम डेट आने में ही करीब 15 से 30 दिन लग सकते हैं, और उसके बाद ही हो सकता है कि आपको कोई सूचना मिले कि एग्जाम कब होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा या चुनाव के बाद होगा। तो ये जानकारी आपको अभी नहीं मिल पाएगी, थोड़ा वक्त और इसमें आपको देना होगा, ठीक है ना। बाकी जो भी साथी इस बार टीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए हमने प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत ही शानदार बुकलेट बनाया है, और जिसका लाभ आप ले सकते हैं। जो हमारी लल्लन टॉप रिवीजन होती है, जो पिछले एक 1.5 साल से लगातार चल रही है, उस पर आधारित एक जो है बुकलेट तैयार किया गया है 1500 प्रश्नों का, और इसके साथ ही साथ 125 क्वेश्चन का ओएमआर शीट भी इसमें दिया जा रहा है, जिसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर, तो जो गोला भरने की गलती परीक्षा में होती, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होता है, तो वो गलती आपसे नहीं होगी, और वो उसको साथ में दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बुकलेट के फीस के साथ में ही आपको ओएमआर शीट मिल जाती है। ये बुकलेट बुक करने के लिए यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर मेरा लिखा हुआ है, और ये मेरे सहयोगी का कॉन्टेक्ट नंबर है, तो उस पर आप जो है व्हाट्सएप करके या फोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं, इस बुकलेट को बुक करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं। रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग साथियों ने किया है, घर पर पहुंच गए हैं, और लाइव रिव्यू उनके बहुत सारे आए हैं, आप लोगों ने क्लास में देखा होगा, तो सीमित मात्रा में बचे हैं। अगर परीक्षा की डेट जल्दी से जल्दी आ जाती है तो ये शॉर्टेज में जाने वाला है पक्का। तो जिन्होंने अभी नहीं बुक किया है, फटाफट आप लोग बुक करके इसको मंगा लीजिए, कला की तैयारी के लिए रामबाण सिद्ध होगा, और मेरा पूरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सीधे आपको इस बुकलेट से परीक्षा में मिल जाए। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, और साथियों किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है कि अभी परीक्षा होगी, कभी परीक्षा होगी, अभी परीक्षा का कोई डेट नहीं आया है, तो आप लोग जिस तरीके से तैयारी कर रहे थे करते रहिए, बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, जैसे ही डेट आएगी तो उसका भी मैं वीडियो बना करके आपको सारी जानकारी दे दूंगा। ओके, थैंक यू, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।